अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पहले मैं निहार जी के लिए प्रोटीन शेक बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा है। प्रोटीन का नया डब्बा तो स्टोर रूम में रखा है, फुल लेके आती हूँ। हाँ मम्मी। हाँ बेचारी रुचिता, ये चाय पी के अपनी बर्बादी को खुद ही इनवाइट कर लिया इसने। हाँ हाँ मम्मी, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये रुचिता तो प्रोटीन शेक लेने गई थी, अभी तक आई क्यों नहीं? रुचिता कहाँ गई? प्रोटीन शेक बना भी लिया और मुझे दिया ही नहीं। ये तो गरम है, इसमें बर्फ डाल देता हूँ। ये निहार फ्रिज के पास क्यों जा रहा है? निहार भैया, वो फ्रिज ना खराब हो रखा है, दिखाने को बुलाया है, वो बस आ ही रहा होगा। ठीक है भाभी। ओके। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा
तक तो अमृता की पूजा भी हो गई होगी। उसे फल दे देती हूँ, व्रत है उसका, फलहार कर लेगी। अमृता, पूजा हो गई? अमृता? हाँ दी, सब अच्छे से हो गया। चलो अच्छा है, ये लो फल खा लो, भूख लगी होगी ना। थैंक यू दी। इतनी मेहनत के बाद जो फल मिलते हैं ना, बड़े मीठे लगते हैं। ये रुचिता कहाँ गई? इतनी देर हो गई, नजर ही नहीं आ रही। बाथरूम में होगी। रुचिता, तुम अंदर हो क्या? ना नीचे थी ना ऊपर है, कहाँ गई है लड़की? बाहर देखता हूं। ये सुधा ने खाटू श्याम जी का शाम वाला दिया नहीं जलाया अभी तक, कहाँ रह गई? चलो मैं ही जला देती हूँ। मैडम जी, हमें वो फ्रिज रिपेयर के लिए बुलाया है। हाँ हाँ, राइट राइट, आइए ना दी। आप दिया जला लीजिए, मैं इन्हें फ्रिज दिखा देती हूँ। थैंक यू। चलिए आइए। ये लीजिए, ये फ्रिज ले जाइए आप। मैम, हम यही देख लेते हैं, अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत हुई तो यही ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, इसे ले जाइए, क्योंकि इसके अंदर से ना बहुत बदबू आ रही है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरे घर में महक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ले जाते हैं। जी रुचिता, रुचिता हद्दी हो गई है इस घर में। क्या बोलूं, तीन दिन बहुएं हैं मेरी, लेकिन फिर भी शाम की चाय के लिए मुझे आवाज देनी पड़ती। एक मिनट माँ जी, मैं देखती हूँ। रितु, तुम दिया जला रही हो? रुचिता कहाँ है? माँ वो पता नहीं। मॉम, मैं भी बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं दिखी, ना किचन में ना रूम में। काम के वक्त सब गायब हो जाता है। अरे कहाँ गायब हो गई होगी, इतना बड़ा घर है, यहीं कहीं होगी। ये छुटकू भी ना छोटी छोटी बात से परेशान हो जाता है, आ जाएगी। मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है, एक बार फिर ढूंढ लेता हूँ। रुचिता के फोन की आवाज तो यहीं से आ रही है। हाँ निहार भैया, आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, पर फोन क्यों नहीं मिल रहा है?
नो, रुचिता के हाथ से फोन लेना तो भूल ही गई मैं। ओह गॉड, ये मैकेनिक जल्दी से फ्रिज लेकर जाए यहां से। भाभी आवाज दूर होती जा रही है। एक मिनट, फ्रिज पीछे लाइए। अभी आवाज तो अंदर से ही आ रही है। खुल क्यों नहीं रहा? ये लॉक है, ये चाबी कहाँ है इसकी? इसकी चाबी मेरे पास नहीं है सर। किसने बंद किया ये? पता नहीं निहार भैया, पर मैं अंदर देख के आती हूँ। रुचिता, 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 ये सर, क्या हो रहा है ये सर? तो निहार भैया, चाबी किचन में भी नहीं है। क्या हुआ रितु? पता नहीं, वो रुचिता का फोन फ्रिज में बज रहा है और रुचिता मिल ही नहीं रही है। हटिए भाभी। निहार भैया आराम से। संभाल के निहार। रुचिता का फोन यहाँ है। रुचिता कहाँ है? एग्जैक्टली कहाँ है वो? मैंने तो उसे खुद बंद किया था। आप लोग ये फ्रिज ले जाइए। हो सकता है कि फ्रिज से सामान निकालते वक्त उसका फोन अंदर रह गया, पर ये रुचिता है कहाँ? निहार जी, ऊपर से कैसे आ रही है? कहाँ थी तुम? सब इतना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। निहार जी, वो मैं हमारे कमरे की तरफ जा रही थी और मुझे चक्कर आ गया, तो मैं स्टोर रूम के पास बेहोश हो गई थी।
क्या अचानक से कैसे बेहोश हो गई तुम? ये ऐसे नहीं हुआ है निहार जी, मुझे बेहोशी की दवाई देके फ्रिज में बंद करने की कोशिश की गई थी। और ये सब इसने किया है मेरे साथ। हाँ निहार जी, अमृता ने पहले मेरे चाय में कुछ मिला के मुझे बेहोश किया, फिर मुझे बंद करने की कोशिश की। चाबी। मौका देखकर मैं निकल गई, फिर जब मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तो दवाई की वजह से मैं बेहोश हो गई स्टोर रूम के पास। अमृता, क्या रुचिता सच कह रही है? ये सब तुमने किया? नहीं रुचिता, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है या कोई बात की नाराजगी है तो मुझे ऐसे ही बता दो ना, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बंद करो अपना ये नाटक अमृता, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे साथ जो भी हुआ है तुमने किया है। पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ रुचिता, मैं तो पिछले 2-3 घंटे से अपने कमरे में पूजा कर रही थी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? दूसरों पर बेकार का इल्जाम लगाना बंद करो तुम रुचिता। हाँ अमृता कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मैं तो खुद कब से उसके कमरे के बाहर माला जप रही थी, 3 घंटे से वो खाटू श्याम जी का पाठ कर रही थी। भीम सपुत्र अहल्यावती जाया। रुचिता तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, अमृता ने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं दादी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है, मैं सच कह रही हूँ। रुचिता मैं भी अमृता के कमरे के सामने से कई बार निकली, एक बार छत से कपड़े ला रही थी, अचार लेने गई, पर अमृता अपने कमरे में पूजा ही कर रही थी। ये सब कथा कही कल्पांतर, तनिक न मानो इसमें आंतर। रुचिता क्या तुमने अमृता को ये सब करते हुए देखा था? आप बोलो रुचिता। नहीं नहीं आरजी, मैं आधे बेहोशी की हालत में थी, मुझे सब हल्का हल्का याद है। और वैसे ही याद रहेगा, अच्छी तरह कुछ याद नहीं आएगा। रुचिता अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर प्लीज मुझे ऐसे बदनाम मत करो। तुम कहीं नहीं जाओगी? जब तुमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो फिर सजा किस बात की? और रुचिता तुम पहले भी कई बार ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर चुकी हो, मैं इस बार मॉम प्लीज। पुरानी बातों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भले ही नहीं पता लेकिन इतनी घटिया हरकत करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं।
मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इतनी आसानी से इस बात को मैं भूलूंगा नहीं। भले ही किसी ने मुझ पर भरोसा ना किया हो अमृता, लेकिन मैं ये जानती हूं कि ये हरकत तुम्हारी ही थी। ये लो नींबू पानी, इसे पी के शायद तुम्हें अच्छा भी लगे और तुम्हारा सर दर्द भी खत्म हो जाए। थैंक यू। और तुम आराम करो, शाम का खाना मैं बना दूंगी। सॉरी रुचिता, तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और किसी ने तुम्हारा यकीन तक नहीं किया। और कोई करता भी कैसे, मेरा प्लान इतना फुल प्रूफ जो था।